राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। पुराने समय में अक्सर लोग घर में कोई चिड़िया या जानवर पालने के पहले शास्त्रों के जानकारों से सलाह लिया करते थे, क्योंकि जानवर और पक्षियों में नेगेटिव एनर्जी को काबू में रखने की अद्भुत शक्तियां होती हैं। यूनिवर्स में हर तरह की एनर्जी मौजूद है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान से बहुत पहले जानवरों को ऊर्जा का आभास हो जाता है। आज के हाईटेक जमाने में भी ज़्यादातर लोग इसे शगुन अपशगुन को जोड़कर देखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके घर कुत्ता होता है उनके घर बाहरी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती। हिंदू पुराणों के अनुसार कुत्ता यम का दूत होता है, इसलिए कुत्ता हर आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। कुत्ते के घर में रहने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। कुत्ता एक वफादार जानवर भी है। कुछ लोग कुत्ते को घर की रखवाली के लिए भी पालते हैं। वास्तु के मुताबिक कुत्ता घर के लिए शुभ माना गया है। आपको एक बात और बता दें कि कुत्ते की देखभाल व सेवा करने से पुण्य मिलता है। जिस जातक की कुंडली में शनि की दशा चल रही हो उसे ज्योतिष के अनुसार काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर में काला कुत्ता पालने से और उसे खाना खिलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को उसकी परेशानियों से मोक्ष दिलाते हैं। साढ़े साथी, ढैया या कुंडली की कोई भी अन्य दोष कुत्ते को पालने से दूर होता है। ये घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। काले कौवे को भोजन कराने से भी अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। घर की मुंडेर पर कौवा बोले तो मेहमान जरूर आते हैं, परंतु ये भी कहा गया है कि कौवा घर की उत्तर दिशा में बोले तो घर में लक्ष्मी आती है, पश्चिम दिशा में मेहमान, पूर्व में शुभ समाचार और दक्षिण दिशा में बोले तो बुरा समाचार आता है। घर में तोता पालने से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से जुड़े वास्तु दोष दूर होते हैं। गुरुवार के दिन हाथी को केले खिलाने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। मछलियों को पालने व आटे की गोलियां खिलाने से अनेक दोष दूर होते हैं। इसके लिए 7 प्रकार के अनाज का आटा लें, यानी 7 ग्रेन्स का आटा बनाएं और उसे गूंथ कर एक पिंड बना लें। अब अपनी उम्र के वर्ष बराबर पिंड को शरीर से उतार लें। जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो 35 बार उस पिंड को सर से पांव तक उतार लीजिए। फिर अपनी उम्र जितनी गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं। अगर आपकी उम्र 29 वर्ष है तो 29 गोलियां, 45 वर्ष है तो 45 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित।